Hello student, good morning to all of you. I am Suni Mishra, today teaching you class 7 computer subject. So, student, today your third chapter start editing a worksheet. यानी कि वर्कशीट में एडिटिंग कैसे करेंगे. वर्कशीट जो है आपको एमएस एक्सेल पे पढ़ना है, तो हमने एक्सेल पे ही आपका ये इस तरह का जो चार्ट्स बनाया हुआ है. तो व्हाट इज लर्न यू इन दिस लेसन्स, आप इस लेसन्स में क्या पढ़ेंगे वो हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज नोट किया है. फर्स्ट पॉइंट सेलेक्टिंग सेल्स, कैसे सेल को सेलेक्ट करते हैं. सेकेंड पॉइंट एडिटिंग डिलीटिंग कॉपी आर मूविंग डाटा इन सेल, यानी कि किस तरह से आप किसी सेल में डाटा कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो थर्ड है, उसमें है इंसर्टिंग सेल रो एंड कॉलम्स. इसमें आपको पढ़ना है इंसर्टिंग सेल्स क्या होते हैं, यानी सेल में कैसे इंसर्ट कराते हैं सेल्स को रो एंड कॉलम्स. तो जो रो एंड कॉलम्स होते हैं उन्हीं दोनों को मिला करके हमारा सेल बनता है, उसको मैं अभी आपको बताऊंगी. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोर, चेंजिंग रो हाइट एंड कॉलम्स विड्थ. यानी कि जो रो है उसकी हाइट को चेंज करना है और कॉलम की चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाने के लिए किस तरह से हम बढ़ाएंगे, किस तरह से चेंज करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में. स्टूडेंट, इससे पहले कि हम वीडियो को और आगे बढ़ाएं, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हाउ मेनी रो इन वन वर्कशीट एंड हाउ मेनी कॉलम्स. और डिफॉल्ट तरीके से आपको बता दें तो थ्री शीट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो कितने रो और कितने कॉलम्स होते हैं एक वर्कशीट में, ये आपको यहाँ पे हमने नोट करके दिया है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा. क्योंकि जो रो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो थाउजेंड से भी में आते हैं, और कॉलम्स जो आपके होते हैं वो थाउजेंड से थोड़े कम में आते हैं. कॉलम्स कम होते हैं और रो अधिक होते हैं, ठीक है. तो इसमें कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, तो इसमें रो में आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं. और यहाँ पर रो और कॉलम्स दोनों को मिला करके क्या बनता है, एक सेल बनता है. रो एंड कॉलम्स को मिला करके जो ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसको सेल बोलते हैं. अगर इसमें एक भी कहीं पे आपने किसी पे पॉइंट कर दिया तो ये जो हाईलाइटेड सेल होते हैं, ठीक है. और इसमें सेल एड्रेस भी बोलते हैं. तो ये आपको फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि आप ये सारे जो फंक्शंस हैं जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं, इनको क्या कहते हैं, फार्मूला बार यहाँ पर है, ठीक है. तो सिंपली मेथड आज हम आपको टीच करेंगे. इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज नंबर्स, नंबर्स क्या हैं और नंबर्स किस तरह से यूज करते हैं, एंड एक्सेल में वर्क क्या करते हैं. एक्सेल में हम अधिकतर रिकॉर्डिंग्स वर्क करते हैं, यानी जो मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्क करते हैं. तो इसमें हम सिंपली आप कैलकुलेटिंग डिवाइस या मशीन या मोबाइल्स पे जो करते हैं उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, चेंज होता है. एक्सेल में हम थोड़े से फार्मूला के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, यानी कि इसमें कुछ ऐसे फार्मूला होते हैं जो इसमें पहले से ऐड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इस पर वर्क होता है. लेकिन आपको एक सिंपल मेथड मैं बता दूँ कि इसमें आपको नंबर टेक्स्ट एंड फार्मूला जो सबसे पहले है वो आपको जानना है कि आप एक्सेल में नंबर्स भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रो भी इंटर कर सकते हैं, यानी ये दोनों इंसर्ट करा सकते हैं आप इसमें एक्सेल में जो आपके ये सेल है, ठीक है, इसको मर्ज भी कर सकते हैं. तो इस तरह से करके आप नंबर्स यहाँ टेक्स्ट और नंबर आप देख रहे हैं कि हमने दोनों को ऐड किया हुआ है, सॉरी यानी कि यहाँ पर ऐड किया हुआ है. तो अभी आप देखेंगे कि टाइपिंग करने के बाद, यानी कि जो हमने टाइप किया है, रो नंबर्स कॉलम्स नंबर्स कितने होते हैं यानी इसमें वर्कशीट में, तो उसके हमने नंबर्स यहाँ पे टाइप किए हैं. और उसके बाद नंबर्स के बाद आपका टेक्स्ट हो गया. लेकिन इसमें जो फार्मूला है, फार्मूला एड्रेस जो होता है वो एक्सप्रेशन होता है नंबर सेल एड्रेस का, ठीक है. मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने बताया आपको कि उस पर डिपेंड होता है. इफ़ फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन वन आर मोर सेल्स, ठीक है, इसका जो रिलेशनशिप्स है वो वन या उससे अधिक सेल्स से होता है
जो कि फार्मूला स्टार्ट करता है, जब भी कोई फार्मूला हम यूज करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, H2O का यूज करते हैं। तो जैसे आपको हम बता रहे हैं कि नॉर्मली अगर आपको कोई भी H2O या जैसे प्लस माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई करना है तो आप H2O करके कर सकते हो, और बाकी आप कई सेल में लिखने के बाद उसको प्लस माइनस करना चाहो तो उसके लिए एक फार्मूला होगा जिसको मैं बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल आपको एक इजी स्टेप बताती हूँ। जैसे आपने H2O लिया, H2O के बाद आपको सीधा क्या करना है कि यहाँ से कोई भी अंक आप ले सकते हैं जो कि आपके कीबोर्ड पे मैथमेटिकल स्कीम में दिए हुए हैं। जैसे आप 42 ले लीजिए, 42 + 22, उसके बाद इंटर, ये आपका टोटल आ गया, यानी 64 हो गया आंसर आपका। उसी तरह सेम है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए भी आपको क्या करना है, H2O सबसे पहले लेना है, बिना H2O के आपको इसमें वर्क नहीं करता है। तो H2O आप लेने के बाद क्या करेंगे, जो भी नंबर सबसे पहले H2O लेंगे उसके बाद ही कोई नंबर आप यहाँ से चूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे कर लिया 22 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का जो सिम्बल्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हम अधिकतर मल्टीप्लाई जो होता है वो दूसरे तरह का देखे हैं, लेकिन जब कंप्यूटर्स में मल्टीप्लाई का सिंबल्स लेते हैं तो बिल्कुल स्टार जैसा होता है। तो इसमें 22 मल्टीप्लाई हमें 5 से करना है, तो 5 कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंटर कर लेंगे। तो हमारा टोटल आंसर कितना आया, 110 आया। अब नेक्स्ट हमारा है वैसे ही सेम H2O, अब हम डिवाइड करेंगे 74/2, ओके इंटर, 37 है सिम सब्ट्रैक्ट, वैसे ही H2O आपको सभी में सब्ट्रैक्ट लेना है, इस चीज को भूलना नहीं है। H2O 46 माइनस, सब्ट्रैक्ट को माइनस बोलते हैं, माइनस 22 इंटर। तो ये आपके सिंपल तरीके से आंसर आ गए, जो कि आप हमेशा देखते हो, यूज करते हो, आप कर सकते हो कंप्यूटर में। और एक आपका जो है, जो मैंने आपको अभी ये तो सिंपल बताया, लेकिन आपको ये बोली थी कि नहीं सेल्स, यानी जो सेल्स वाइज होंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने 40 ठीक है, और इसमें एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप टैग की या एरो कीज का यूज कर सकते हैं, ऊपर नीचे करने के लिए अप और डाउन एरो कीज का यूज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट के लिए भी लेफ्ट राइट राइट एरो कीज है ठीक है। तो आपको इसमें 40 हो गया ठीक है, 12 and 45 and 70 ठीक है। अब इसको हमको ऐड करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या है आपको देखेंगे, सबसे पहले हमको सेल एड्रेस लर्न करके रखना है कि किस सेल एड्रेस में ये है। जैसे यहाँ पे 18 है ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी, यानी बी वाले कॉलम्स में है और 18 वाले रो में है, तो हमको बी 18 करना है यहाँ सबसे पहले। लेकिन H2O जरूर लगाएंगे, H2O बी 18 ओके, प्लस हम एडिंग कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होगा सब्ट्रैक्ट का सिंबल्स होगा, और डिवाइड हो तो डिवाइड का सिंबल्स होगा, इस तरह से हमको सिंबल्स लगाने हैं। तो आप अपने बुक्स में एक बार ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ये हो गया बी 18, फिर सी वाले कॉलम में सी में 12 है, तो यहाँ पे सी 18 प्लस डी 18 प्लस ई 18 ठीक है, उसके बाद इंटर कर देंगे, तो ये आ गया हमारा टोटल। तो इस तरह से भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं ठीक है। तो आप इसमें जैसे अभी 2-3 अंकों लेते हैं हम लोग, 52 and 40 ओके, और इसको हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो H2O सेम वही प्रोसेस होगा। इस टाइम हम D में लिए हैं तो D 19 होगा ठीक है। D यानी कि आपको यहाँ पे इसको याद रखना है, D कॉलम्स में और रो में आपको नंबर्स याद रखने कौन से नंबर्स पे है ठीक है। तो इसमें D 19 हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस कर लेंगे ठीक है। फिर E है, D के बाद E वाला कॉलम्स है तो E 40 E 19 ही होगा
E19। ओके, तो उसके बाद इंटर कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो भी करना चाहे प्लस माइनस, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई, उसको आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सेल को सेलेक्ट करते हैं, कैसे एडिट डिलीट और कॉपी करते हैं, मूविंग करते हैं, ठीक है, ये सभी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपके पास सिस्टम हो तो इसे रिवाइज जरूर करें।